और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा के तहसील में कांग्रेसियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसियों ने सत्याग्रह धरना प्रदर्शन करके एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेसी नेता सलाम वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर सिद्धार्थनगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार काले कानून को वापस ले। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष डॉक्टर नादिर सलाम का कहना था कि सत्य के आग्रह के लिए इसका आयोजन किया गया है। सरकार अग्निपथ योजना बनाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसलिए केंद्र सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि जनता और नौजवानों की आवाज को सुनी जाए और गलत रास्ते को त्याग कर सत्य के रास्ते पर चले, इसके साथ ही काले कानून को वापस लें। विराट 24 न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से नियामतुल्ला की रिपोर्ट। बैठे हैं, क्या वजह है, क्यों आपको सत्याग्रह पर बैठना पड़ा? इस आपके सरकार में जो मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, जो हमारी फोर्सेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन सब ने अग्निपथ एक योजना लाई है जो 4 साल के कार्यकाल का है। 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में चला जाएगा और 2 साल की नौकरी रहेगी। तो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी नौजवानों के समर्थन में, जो नौकरी पाने वाले हमारे जवान उनके समर्थन में इस सत्याग्रह का आयोजन किया है कि इस कानून को वापस ले लें। और जब जब देश में काला कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है, कांग्रेस ने उसमें आगे बढ़ के बच्चों के देश के हित में काम किया है, चाहे वो किसान की जमीन अधिग्रहण का मामला हो, इस सरकार को वापस लेना पड़ा, चाहे किसान आंदोलन हो, किसान के काले कानून हो, उसको वापस लेना पड़ा। इसी तरह से कांग्रेस नौजवानों के साथ है, कांग्रेस के विकास के लिए है और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के का जो उसूल है कि हमारे नौजवानों को भी पढ़ लिख करके देश का सेवा करना चाहते हैं, उनको चौकीदारी नहीं चाहिए, उनको नौकरी चाहिए और हमारे देश में इन नौजवानों को नौकरी पूर्णकालिक। हम यहाँ जो ये भाजपा सरकार है जो समय समय पर काला कानून लाती है और ये अग्निपथ जो इसने कानून लाया है नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए, हम उसके लिए आज सत्याग्रह कर रहे हैं। जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह इन्होंने ये तीन कृषि काले कानून लाकर किसानों को इन्होंने परेशान किया, कई जिंदगियां इन्होंने खा ली हैं, उसके बाद इन्होंने इस कानून को वापस लिया, उसी तरह ये अग्निपथ को लेके आए हैं, इनको ये कानून वापस लेना होगा। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये सरकार को वापस लेना होगा, क्योंकि सरकार की मंशाएँ क्या हैं, वो हमारे नौजवानों को किस तरह से बेरोजगार रखना चाहती है। सिर्फ 4 साल की नौकरी, साहब आप बता दीजिए कि बड़ी मुश्किल से रोजगार मिलता है, उसके बाद आप फिर उन्हें जो है फुटपाथ पे कर देंगे। यानी कि ये किसान विरोधी और नौजवान विरोधी जो सरकार है, हम इसके लिए आज कमर कस के बैठे हुए हैं और इनके पूंजीपति मित्रों को हम इन्हें फायदा पहुंचाने नहीं देंगे। इनके नेता कहते हैं कि जब ये नौजवान वापस आएगा तो हम अपने जो है अपने ऑफिसों में इनको गार्ड की नौकरी देंगे, इनके पूंजीपति मित्रों के हम यहाँ गार्ड की नौकरी करेगा, इनको शर्म नहीं आ रही है। जो देश की रक्षा करने वाला नौजवान है, जिस पर हमें गर्व होता है, जिस पर हम जो है सीना तान के चलते हैं, उसको ये कहते हैं कि जो है गार्ड की नौकरी देंगे, इनको शर्म आनी चाहिए और इस काले कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए।